हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9th May 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडसइंड बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन 4.94% का पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। 11.26.35 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन, मंडे की क्लोजिंग वैसे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ओपन करके रखा है। बात अगर मैं करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल मीडियम टू लार्ज साइज में ऊपर के साइड में छोटी सी भी हमें देखने मिल रही है। आरएसआई 53-52 के आसपास आ चुके जो हमें स्लाइट एक तरह से न्यूट्रल यानी कि दोनों साइड का इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउनसाइड जो हमें 1108 के आसपास देखने मिला और वहां से हमें एक बाउंस बैक जो है आते हुए देखने मिल सकता है। बाकी अगर नहीं मिला तो हमें स्टॉक जो है और नीचे के साइड में आते हुए देखने मिल सकता है अराउंड 1082 के आसपास। बाकी अगर वहां से हमें बाउंस बैक जो है देखने में तो ऊपर के साइड में स्टॉक हमें आते हुए देखने में 1138 के आसपास, उसको भी क्रॉस करते हुए जाते हैं 1159 के आसपास देखते हुए मिल सकता है। आने वाले दिनों के लिए करंटली मेरा ओपिनियन जरूर नेगेटिव मूव का है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो सकता है आने वाले दिनों के लिए वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव तो पॉजिटिव ट्रेंड में आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लेवल्स हमने जो रिसेंटली स्टॉक का लिया था वहाँ पे आपको बताया था, जरूर अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए वनआर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनआर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस एसएच मार्क डे, तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग करने की जरूरत, जूम करके हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स में एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करते हैं 11.26 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 11.24.70 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 11.31.50 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे आपने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 1117 का, उसके बाद क्या है 1110 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1139 का, उसके बाद क्या है 1145 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर नेगेटिव मूव का 1117 से लेके 1124 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। गैप ऑफ ओपनिंग देखने मिल सकता है, फिर रिवर्सल में स्टॉक नेगेटिव क्लोज होते आते हुए देखने मिल सकता है कल के दिन। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।